डायल केलेला नंबर बंद आहे. कृपया थोड्या वेळाने पुन्हा प्रयत्न करा. रश्मि, रश्मि, दरवाजा खोल. रश्मि, इतनी देर क्यों की दरवाजा खोलने में? साले, दरवाजा नहीं खोलते. दरवाजा नहीं खोल. भाई, खाना लगा दिया है, कुछ खा लो. अक्षय के बिना कभी खाना खाया है क्या? ए पंकज, तू फिर से जरा फोन लगाना. 6 बार तो लगा चुका हूँ, अटका होगा कहीं काम से, आ जाएगा. एक बार फिर से दुकान पे फोन लगाना. भाई, खाना तो खाने दे मुझे. तू सिर्फ लगा कर दे, मैं बात करती हूँ. हाँ पंकज दादा. मैं अक्षय की आई बोल रही हूँ. राजू, अक्षय की कोई खबर? नहीं माँ जी, मैं तो खुद फोन करके पूछने वाला था. अक्षय दादा बोले थे कि शाम तक दुकान पर लौटेंगे, लेकिन अभी तक लौटे नहीं हैं और उनका फोन भी स्विच ऑफ है. कुछ पता चले तो फोन करना. हाँ बेटा. हाँ माँ जी. आई, ऐसा सबको टेंशन देने से क्या फायदा? अपना अक्षय 32 साल का है, अपना खुद का मोबाइल फोन का दुकान चलाता है. गया होगा किसी काम से कहीं, मोबाइल की बैटरी खत्म हुई होगी. अरे आ जाएगा आई, दूध पीता बच्चा नहीं है वो. बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ के लिए बच्चा ही होता है. पता नहीं मेरा अक्षय कहाँ चला गया है. दुकान पे भी नहीं बोला, घर पे भी नहीं बोला. पता नहीं. अक्षय काले. हाँ जी, आप कौन? अपने घर पर और अपनी मोबाइल फोन की दुकान पर बिना किसी को बताए 32 वर्षीय बैचलर अक्षय काले कहीं चला गया था. उसके फोन की बैटरी डेड थी या फिर उसे जानबूझकर स्विच ऑफ किया गया था. और जब रात भर अक्षय घर नहीं आया और ना ही फोन किया, तो उसका परिवार सीधे पुलिस थाने जा पहुंचा. पुलिस स्टेशन में काले परिवार को अक्षय के सेलफोन नंबर के बारे में पहला शॉक मिला. अक्षय की कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, अक्षय की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है. तुम्हें कैसे पता? मुझे मेरे भाई के बारे में सब कुछ पता है सर. 4445678 अक्षय का नंबर है, मैंने ही आपको दिया. 4443661 ये किसका नंबर है सर? किसी अक्षय दीनानाथ काले के नाम पर है. रूम नंबर 9, फर्स्ट फ्लोर, सागर चौल, बापूपाड़ा, मुंबई. जानते हो उसे? मेरे भाई के दो दो नंबर कैसे हो सकते हैं सर? इसीलिए कह रहा हूँ पंकज, तुम्हें अपने भाई के बारे में सब कुछ पता नहीं है, या फिर पता है और हमें बताना नहीं चाहते. वापस पूछ रहा हूँ, अक्षय की कोई गर्लफ्रेंड, कोई लफड़ा?
सर, मेरा लड़का बहुत अच्छा लड़का है। एक तो 32 साल का आदमी ना आदमी होता है, लड़का नहीं। इस उम्र में अक्सर लोगों को बच्चे हो जाते हैं, इसलिए आपके बेटे की कोई गर्लफ्रेंड है जिसे आप पसंद नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेटा अच्छा बेटा नहीं। आप इतने यकीन से कैसे बोल सकते हैं कि अक्षय का कोई लफड़ा है? ये जो दूसरा नंबर है, ये सिर्फ इसी नंबर पर कॉल कर रहा था जो अक्षय का ओरिजिनल नंबर है, और दोनों फोन भाईंदर के पास कल एक ही समय पर स्विच्ड ऑफ हो जाते हैं। इसके तीन मतलब निकलते हैं। एक तो ये कि अक्षय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं भाग गया है, या दोनों का अपहरण हुआ है, या फिर मर्डर। आप क्या बोल रहे हैं साहब, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गायत्री जी, हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हुआ हो, और ये जानने के लिए कि क्या हुआ है, आप लोगों को हमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, इसलिए आखिरी बार पूछ रहा हूं, अक्षय की कोई गर्लफ्रेंड है जिसे आप जानते हैं? नहीं सर। पंकज, तुम्हारा अपने छोटे भाई के साथ कोई झगड़ा, जमीन जायदाद को लेकर कोई टेंशन? बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, जल्द से जल्द कोई ना कोई खबर आ जाएगी। इस बीच अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है तो हमें तुरंत बताइए। देखिए, जितनी जल्दी आप हमें बताएंगे उतनी जल्दी पता चलेगा कि अक्षय कहाँ खो गया है और क्यों खो गया। साहब, 2 घंटे में आता हूँ, ऐसा बोलकर गए थे अक्षय दादा। अक्षय की कोई गर्लफ्रेंड? नहीं साहब, मैं उनके निजी मामलों में दखल नहीं देता हूँ सर। अक्षय का कोई दूसरा नंबर? दूसरा नंबर मुझे नहीं पता है साहब। कुछ भी अटपटा लगा, कुछ अजीब सा? देख, वो गायब हुआ है, उसकी जान को खतरा हो सकता है, छोटी से छोटी बात भी मदद करेगी, उसकी जान बच सकती है। साहब, कुछ एक सालों से कुछ बदला था साहब। जैसे कि साहब, कुछ कॉल अक्षय ज़्यादा दुकान में नहीं लेते थे। हाँ, भेज दो माल, भेज दो। अरे कोई नहीं, पेमेंट हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। हेलो, हाँ बोलो। तुमने कभी अक्षय की कोई भी बात सुनी? नहीं साहब, मैंने कभी कुछ नहीं सुना। ये दुकान अक्षय की है या किराए की? ये दुकान पंकज दादा के नाम पर है, अक्षय दादा के बड़े भाई। अगर अक्षय कुछ छुपा रहा होता तब भी कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता, नहीं? कुछ लोग छुपाने में माहिर होते हैं सविता, किसी का कुछ नहीं बोल सकते हैं। सारे मोक चेक किए हैं, हॉस्पिटल से भी जवाब आ गया, अक्षय काले कहीं नहीं। अलर्ट जारी किया? जी हाँ सर, सारे स्टेशन अलर्ट पर। सर, इसके कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था, पिछले एक साल में अक्षय काले के सबसे ज्यादा कॉल्स और सबसे लंबी ड्यूरेशन की बातचीत उसके अपने ही सीक्रेट नंबर के साथ थी। शायद उसकी गर्लफ्रेंड का हो। करेक्ट सर। पर सर, आपने नोटिस किया है पिछले 2 महीनों में इस बातचीत में काफी ड्रॉप आया? नोट किया मैंने। सर एक और बात, जनवरी 2013 से सितंबर 2013 तक अक्षय काले की एक और नंबर पर ऐसी ही लंबी बातचीत और SMS हुए। ये नंबर है 444145657। कोई लड़की है? औरत, शादीशुदा, मिसेज रश्मि सावंत। इंटरेस्टिंग। एड्रेस और भी इंटरेस्टिंग है सर, कमरा नंबर 8, पहला माला, सागर चाल, बापूपाड़ा। अक्षय की पड़ोसन? यस सर। लेकिन सर, एक चाल में एक शादीशुदा औरत का अपने पड़ोसी के साथ अफेयर और किसी को खबर भी ना हो, बड़ा मुश्किल लगता है। एक तो इतने छोटे छोटे कमरे और ऊपर से इतनी पतली दीवारें। यही तो मुंबई की खासियत है कदम, किसी को किसी की पड़ी नहीं है। क्या छोटे छोटे कमरों की पतली पतली दीवारें अपने कान और अपनी आंखें खुद ही मूंद लेती। ठंडा खाना देगी मुझे? ठंडा खाना देगी मुझे? चल खड़ी हो, गर्म आज के बाद ठंडा खाना दिया ना, स्टोव पे लेटा दूंगा और
के सामने जला दूंगा तुझे। चल चल चल। जा बेटा जाके सो जा। चल जा। रश्मि सावंत। हाँ क्या बात है? पुलिस स्टेशन चलो, सब पता चल जाएगा। कैसे जानते? मतलब अक्षय पड़ोसी है मेरा, वो मुझे भाभी बुलाता है। काफी करीब से जानती हो अक्षय को? सिर्फ अक्षय को ही नहीं, पूरे काले परिवार के साथ अच्छा बनता है मेरा। उनके साथ मैं भी काफी परेशान हूँ कि अक्षय गायब कहाँ हो गया। मतलब आपको पता है अक्षय गायब है? हाँ, जिस दिन वो घर नहीं लौटा था मैं उन्हीं के घर पे थी, गायत्री काकी और सविता भाभी के साथ। पंकज भाभी थे वहाँ पे। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। तुम्हें डायल केलेला नंबर बंद रहा है, कृपया थोड़ा वेळाने पुनः प्रयत्न करा। पता नहीं फोन बंद करके क्यों रखा है ये, दुकान पर भी कोई खबर नहीं है। पता नहीं मेरे अक्षय के साथ क्या हुआ है, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। काकी, अक्षय का फोन ऑटो बीटो में रह गया होगा या फिर चोरी हो गया होगा, इसीलिए कॉल नहीं कर पा रहा होगा ना वो। काकी चिंता मत कीजिए, हमारा अक्षय समझदार है, वो थोड़ी देर में घर आ जाएगा। अक्षय दो दिन से गायब है, हमें लगता है किसी लड़की का मामला। लड़की का मामला? लड़की, औरत, आई मीन अफेयर। हमें शक है वो औरत आप है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। आप एक औरत है, स्मार्ट है, ग्रेजुएट भी, लेकिन आपकी शादी की हालत चौथी फेल जैसी है। ये सब आपको किसने बताया? आपकी चौल का हर दूसरा आदमी आपकी शादी पर पीएचडी कर सकता है। देखिए अक्षय और मेरे बीच में सिर्फ दोस्ती थी, कोई अफेयर वफेयर नहीं था। जनवरी 2013 से लेकर सितंबर 2013 तक काफी गहरी दोस्ती रही आप दोनों के बीच, जबकि आप दोनों के घर के बीच में सिर्फ एक पतली सी दीवार है। अक्षय ज्यादातर अपने दुकान में रहता था, वो मुझे बहुत मानता है इसीलिए फोन करता था। चलो मान लेते हैं, लेकिन सितंबर 2013 में ऐसा क्या हुआ कि फोन कॉल्स अचानक से बंद हो गए? सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है, दोस्ती में दूरियां आ जाती है और फिर रिश्ते बिखर जाते हैं। 444-366-121 जी, लगता है इस नंबर को आप पहचानती हैं। मैं इस नंबर को नहीं जानती। पक्का रश्मि जी? पक्का। और कुछ होने को तो बहुत कुछ है, और ये जो बिखरे हुए रिश्ते हैं ना, धीरे धीरे सारे मेरी टेबल पर होंगे, और इन रिश्तों से जो भी नक्शा बने, मेरी इस बात की गारंटी है कि आप उस नक्शे में जरूर होंगी, श्रीमती रश्मि जयेश सावंत। रुक जाइए प्लीज, रुद्र की कसम रुक जाइए। पुलिस सिर्फ मुझे ही नहीं, चौल के कई लोगों को लेकर गई थी अक्षय के बारे में पूछने के लिए। बोल, क्या पता है तुझे उस के बारे में? बोल। कुछ नहीं, मैंने पुलिस को भी यही बताया कि उसकी माँ और भाभी से मेरी अच्छी पहचान है, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। फोन क्यों नहीं किया? सारे चौल वालों को पता है कि तुझे पुलिस उठा के लेके गई है, सिवाय मेरे। मैंने सोचा था आप काम पे होगे ना, डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अच्छा? हाँ? साले कॉलेज की डिग्री क्या आ गई तेरे पास, तू मेरे बारे में सोचेगी? आई, तीन दिन से सिर्फ तूने पानी पिया है, बीमार पड़ रही हूँ। मेरा अक्षय। वो मेरा भी अक्षय है आई। तेरे तो बीवी बच्चे, तू सेटल है, मेरा अक्षय अकेला है। मेरे बीवी बच्चे अक्षय के कुछ नहीं, मैं अक्षय का कुछ नहीं, तो तुम उसे अकेला बोल रही हो?
रिश्तों में अपने पर आए कि धूप जाऊं होते हैं, कब बिछड़े कब मिले कुछ कह नहीं सकते। वैसे जिंदगी का ही कुछ नहीं कह सकते आई, तुम कुछ खा लो, वैसे काफी टेंशन है। तो रखते, मैं बाद में खाऊंगी। क्या हुआ? नमक। ठीक तो है? अक्षय का अभी तक कुछ पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ होगा। जहाँ भी हो बस ठीक ठाक हो। सभी तब ये कैसे हो सकता है कि अक्षय के पास दूसरा फोन था और हमें उसकी कुछ खबर ही नहीं पड़ी। कभी कभी ना नाक के नीचे की चीज भी नजर नहीं आती है। इसको ही देख लो, रश्मि को। रश्मि? पुलिस आई थी आज इससे पूछताछ करने, और कोई तो कह रहा था कि पुलिस ने सामने से इससे पूछा कि तुम्हारा अक्षय के साथ अफेयर है क्या। पागल हो गए हैं क्या वो लोग? रश्मि तो जैस की पत्नी है। तो ज्यादातर शादीशुदा लोग ही अफेयर करते हैं। समझ में आ रहा तुझे? तू अपने अक्षय के बारे में बोल रही है। तो मैं क्या ये सब मन से बोल रही हूँ? ये बात कहीं से भी झूठ नहीं है कि हमारा अक्षय इस रश्मि को पसंद करता है। हाँ, कितना और कैसे ये बोलना मुश्किल है। आई, आजकल कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? आजकल तो दिन में भी पीने लगा है जयेश, कौन समझाएगा। अरे लेकिन रश्मि तो पढ़ी लिखी है ना, तो फिर क्यों झेलती है फालतू बना? मुझे उस घर से निकल क्यों नहीं जाती हूँ? अक्षय, पढ़ी लिखी होने से कुछ नहीं होता है। घर से बाहर निकलना है मतलब नौकरी चाहिए, और वो भी ऐसी जिससे बच्चे की परवरिश की जा सके। खुद का घर चाहिए होता है, माँ बाप का, थोड़ा दोस्तों का सपोर्ट चाहिए होता है। बस ऐसे ही कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। अरे लेकिन भाभी, ऐसे जानवर जैसे पिटने से तो आसान ही है ना। अब एक बार घर से बाहर निकलेगी तो बाकी चीजें भी अपने आप ही हो जाएंगी। हमारे अक्षय को ना रश्मि की बहुत फिक्र रहती है, और सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ। रश्मि भी बहुत पसंद करती है अक्षय को। अरे पूरन पोली बनाई है अभी अभी, अक्षय को बहुत पसंद है ना। अरे वाह, देखो नाम लिया और अक्षय आ गया। रश्मि भाभी तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है? पूरन पोली। सविता, ऐसे एक दूसरे को पसंद करना एक चीज है, पर अफेयर करना? पर अफेयर करने के लिए भी तो पहले एक दूसरे को पसंद करना होता है ना, ऐसे हवे में तो होता नहीं है अफेयर। लेकिन अफेयर करने के लिए जगह चाहिए होती है, वो भी तो हवे में ऐसे नहीं हो सकता ना, लोगों से छुपना छुपाना पड़ता है। हाँ, मैंने भी ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। और वो शराबी जयेश बड़ा शकी किस्म का आदमी है, उसको भड़क तक लगती तो मरने मारने पे उतर आता पागल। ये रश्मि सावंत पहले रश्मि राणे थी। 2004 में इसने LMS कॉलेज से फर्स्ट क्लास में बीकॉम किया था।
पढ़ाई के साथ डांस ड्रामा वामा सब में काफी फॉरवर्ड थी सर। कॉलेज में काफी नाम था उसका, मतलब रोज डे पर रोज क्वीन वगैरह बनती थी। लेकिन शादी के बाद इस रोज क्वीन को सिर्फ काटे ही काटे मिले लाइफ में। अरेंज थी? हाँ सर, अरेंज थी। माँ बाप ने सोचा लड़का बिल्डिंग लाइन में है, आगे चल के तरक्की करेगा। लेकिन एक नंबर का पियक्कड़ और एकदम साइको टाइप का निकला है जयेश सावंत। इस सावंत ने कभी रश्मि को जॉब वगैरह नहीं करने दिया, कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और रोज पीकर मारता है रश्मि को। हो सकता है रश्मि नरक में रहते हुए स्वर्ग का ट्रेलर देख रही होगी अक्षय के साथ, और यमराज जयेश सावंत को उसकी झलक दिख गई होगी, इसलिए खत्म कर दिया होगा अक्षय को। 444567898 किसका नंबर है? पता नहीं, कल शाम को फोन आया था तुझे इस नंबर से जब मैं घर पे नहीं था। अच्छा, वो रॉन्ग नंबर था। नंबर रॉन्ग था या नंबर वाला रॉन्ग था? अभी बताता हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं वो बोल रहा हूँ जिसकी पत्नी रश्मि को कल शाम तूने फोन किया था। कौन है तू? अबे नाम बोल अपना। देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। एक्चुअली मेरा नाम सिद्धि शेट्टी है, कल गलती से नंबर लग गया था तो किसी लेडीज ने फोन उठाया तो मैंने काट दिया था। हाँ ठीक है, आगे से गलती से भी गलत नंबर मत मिलाना, समझा? कुछ रिश्ते कुदरत तय करती है जो खून के धागों से बंधे होते हैं, कुछ रिश्ते समाज बनाता है जो मजबूरियों की सलाखों में जकड़े होते हैं, और फिर कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो दिल की धड़कनों पर सवार चाहत के मझधार में तैरते हैं। ये जहां चाहे वहां जा सकते हैं, कभी किनारे पहुंच सकते हैं तो कभी डूब भी सकते हैं। क्या बैचलर अक्षय काले और शादीशुदा मिसेज रश्मि जयेश सावंत का इसी तरह का संबंध था? क्या दोनों सिर्फ गुड फ्रेंड्स थे, या फिर अच्छा खासा रोमांटिक अफेयर चल रहा था सारी दुनिया से छुपकर? पुलिस को पहले से ही अक्षय के दूसरे सेलफोन पर शक था कि यह सिर्फ और सिर्फ एक अफेयर की ही निशानी हो सकती है, पर अक्षय अब भी मिसिंग था। इन्वेस्टिगेटिंग टीम को उस तक पहुंचाने वाली एक भी ठोस लीड नहीं मिली थी। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आया जब इस त्रिकोण का चौथा कोण सामने आया। संदीप, तुम्हारा फोन है, नाम नहीं दिखा रहा। हाँ तुम ले लो। ठीक है। हेलो, नहीं मैं उनकी पत्नी मेघा बोल रही हूँ, संदीप नहा रहे हैं। क्यों? ठीक है मैं बोल दूंगी। हाँ मेघा, किसका फोन था? वो बापूपाड़ा पुलिस स्टेशन से फोन था। पुलिस स्टेशन? कोई रॉन्ग नंबर होगा। नहीं नहीं, उन्होंने तुम्हारा नाम लिया, कहा तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए, कुछ अर्जेंट काम है। क्या बात है संदीप, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? मेघा, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि पुलिस वालों ने मुझे क्यों फोन किया, वो भी इतनी दूर से, बापूपाड़ा पुलिस स्टेशन से। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मेरे किसी कलीग या दोस्त का मामला हो सकता है, और तो कोई वजह होगी। अक्षय काले कहाँ है संदीप? कौन अक्षय काले सर, मैं नहीं जानता। अच्छा, रश्मि सावंत को तो जानते हो? हाँ वो तो मेरी दोस्त है। दोस्ती कब हुई और कैसे? हम लोग कॉलेज में साथ थे सर। बहुत मस्त फोटो यार, थैंक यू संदीप। माय प्लेजर। ये देख, संदीप तुम बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हो। अच्छा कॉलेज के बाद फुल टाइम फोटोग्राफी परस्यू क्यों नहीं करते? अरे यार सिर्फ मेरी हॉबी है, ये शौक के तौर पर करता हूँ। फुल टाइम करूँगा ना तो
तो सेटल होने में लाइफ निकल जाएगी। वो तो है। वैसे मेरी हॉबी पता है क्या है? बता। पूरन पूरी पहली बार ट्राई किए, तुम ट्राई करोगे? मरूंगा तो नहीं ना। शट अप यार, ट्राई करके बताओ ना कैसी बनी है। क्या हुआ, अच्छी नहीं बनी क्या? अच्छी है यार, बहुत अच्छी है, पूरा डब्बा ले सकता हूँ। संदीप, तो 2004 से तुम दोनों की दोस्ती कंटिन्यू रही। इतने सालों में कोई टच नहीं था, इनफैक्ट एक फोन कॉल भी नहीं। और अब पिछले 3 महीने से हर रोज दिन में 3-3 4-4 फोन। अच्छा ना, एक्चुअली सर मेरी एक कजन है, 3 महीने पहले उसकी शादी थी। पूरे 9 साल बाद पहली बार मिले। मैं लड़की वालों की तरफ से था और वो लड़के वालों की तरफ से। तो आजकल फोटोग्राफी क्या बोलती है? फोटोग्राफी वो तो कब की छोड़ दी। तू सुना ना, तेरी पूरन पोली का क्या हाल है? बन जाती है साल में 1-2 बार। तुम्हारी वाइफ बहुत खूबसूरत है, पहला बच्चा है। हाँ, शादी लेट की मैंने, तेरी याद में तड़पता रहा ना। हा, वेरी फनी, आई बिलीव यू। वैसे तेरे लकी हस्बैंड का है, पहचान नहीं कराएगी? वो खुद को पहचान पाए तो ना। ऐसा क्यों बोल रही है, क्या हो गया? लंबी कहानी है, अभी बताने जाऊंगी तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, फिर कभी। तो पिछले 3 महीने से हर रोज, वो भी दिन में 3-3 4-4 बार सुख दुख शेयर हो रहे थे, सिर्फ फोन पर या मिलना भी होता था। सर अगर आप ये सब एक हिंट के बेस पे कहना चाह रहे हैं कि मेरा और रश्मि का एक अफेयर है या फिर था, तो उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। आप प्लीज भी बता सकते हैं कि आप ये सब सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अक्षय काले नाम का एक आदमी मिसिंग है, इस केस को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। रश्मि सावंत के इन्वॉल्व होने पर हमेशा हमने उसके फोन रिकॉर्ड्स देखे, तुम्हारा नंबर उसमें कई बार आया, इसलिए तुम्हें यहाँ पर। अब तो आपको सच्चाई का पता लग गया ना, अब मैं जाऊँ सर? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हमने पूछा, तुमने जवाब दिया, तुमने जो जवाब दिया उसे हम सच मान लें ऐसा जरूरी तो नहीं है। हमें तुम पर शक हुआ है इसलिए हमने तुम्हें यहां बुलाया, और तुमने जो ये जवाब दिया ना तांबे, ये साया बनकर तुम्हारा पीछा करेंगे अदालत तक। सर जब मेरा इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है तो फिर मेरा कोर्ट जाने का सवाल ही कहां से आएगा? होगी सवालों की तांबे, योर टाइम स्टार्ट नाउ। यह है अक्षय का, जानते हो इसे? कौन है ये सर, मैं नहीं जानता। कदम लिखो। जब हमने तांबे को पूछा अक्षय काले का फोटो दिखाकर, तो उसने कहा कि कौन है ये, मैं इसे नहीं जानता। मैंने कहा था ना तांबे, तुम्हारा हर जवाब साया बनकर पीछा करेगा अदालत का। अब तुम्हें जहां भी जाना है जाओ, काम पर जाना है काम पर जाओ, लेकिन शहर छोड़ने की गलती मत करो क्योंकि केस अभी बाकी। हेलो रश्मि, ये हो क्या रहा है यार? मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी संदीप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अक्षय काले को मिसिंग हुए 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी तक हमारे पास एक भी ठोस सुराग नहीं है, लेकिन ड्रामा बहुत है। अक्षय काले का खुफिया फोन, रश्मि की अनसक्सेसफुल मैरिज, पूरन पोली रोमांस, और अब ये संदीप तांबे। सर अगर किडनैपिंग होती तो फिरौती के लिए कॉल जरूर आता, मतलब किडनैपिंग का एंगल तो आउट कर सकते हैं। सर दोनों ही औरतें आंखें नहीं मिला रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है। दोनों औरतें? हाँ सर, रश्मि सावंत और पंकज काले की पत्नी सविता काले, उसको भी पक्का कुछ ना कुछ मालूम है। तीन हफ्ते हो गए हैं साहब, अभी तक अक्षय की कोई खबर नहीं आई है। आए भी बीमार रहती है, कब मिलेगा मेरा भाई? जब सारे पत्ते खुलेंगे तब, और मुझे लगता है कि कुछ पत्ते आप लोग अपने सीने से लगाए बैठे। क्यों सविता जी? जी मैं कुछ समझी नहीं साहब।
मुझे लगता है आप लोग हमसे कुछ छिपा रहे हैं। साहब दरअसल हमें कुछ पता नहीं है, मतलब पक्का नहीं पता है, लेकिन हमने कुछ खुद से देखा नहीं है, पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे अक्षय और हमारी पड़ोसन रश्मि, उन दोनों के बीच कुछ था, कुछ हो सकता है। तो सिर्फ अक्षय ही गायब क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रश्मि के पति जयेश को कुछ पता चल गया और उसने अक्षय के साथ कुछ कर दिया? हाँ सर, मुझे भी इसी बात का डर है। जयेश तो पहले से ही विलेन है, उस पर शक करना, उस पर शक डालना तो बहुत आसान है। आपको लग रहा है कि हम लोग जानबूझकर जयेश पर शक डलवा रहे हैं? हाँ, अक्षय जो दुकान करता है वो तुम्हारे नाम पर है ना? क्या क्या मतलब? मतलब पैसों से है, अक्षय तुमसे ज्यादा कमाता है। क्या कहना चाह रहे हैं आप सर? तुम दोनों भाइयों के बीच कभी तो तू तू मैं हुई होगी। और मैंने अपने भाई को मरवाया, यही कहना चाह रहे हैं आप सर? अरे मरवाने की बात तक तो मैं अभी तक पहुंचा ही नहीं, अक्षय तो अभी हमारे लिए लापता है। वैसे मैं कह तो नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसा मैं बहुत कुछ सोच सकता हूं, मैं सोचता हूं और करता भी। जैसी हमें कोई खबर मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन आइंदा हमसे कभी कुछ छिपाना नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों। सविता जी, आपका नंबर नहीं है हमारे पास। कदम, पंकज और सविता के फोन रिकॉर्ड्स तो क्लीन लग रहे हैं, लेकिन इन फोन नंबर से ही हमें पता चलेगा कि अक्षय का दूसरा सीक्रेट नंबर किसके लिए था। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये जो दूसरा नंबर है जानबूझकर लिया गया हो हमें गुमराह करने के लिए। लेकिन दोनों नंबर्स एक ही टाइम पर बंद हुए और एक ही जगह भयंदर। हो सकता है दोनों नंबर्स एक ही आदमी के पास हो, अक्षय काले या फिर कोई और। अक्षय काले। हाँ जी, आप कौन? सर मुझे लगता है ये दूसरा नंबर ही हमारे केस को आगे बढ़ाएगा और क्लोज भी करेगा। कदम, अक्षय के दोनों नंबर्स के लोकेशन रिकॉर्ड्स देखे, दोनों नंबर इससे पहले भयंदर कभी नहीं गए। मतलब अक्षय एक नंबर के साथ या फिर दोनों नंबर के साथ पहली बार भयंदर गया। सर ये भी तो हो सकता है कि अक्षय एक फोन लेकर भयंदर गया था और दूसरे फोन वाला ये वाली भी उस वक्त भयंदर में ही था या थी। पर सवाल उठता है क्यों, भयंदर ही क्यों? अक्षय वहां किससे मिल रहा था, क्या काम होने वाला था वहां? अक्षय काले। हाँ जी, आप कौन? क्राइम ब्रांच, चल मेरे साथ। क्राइम ब्रांच? सर लेकिन मैंने किया क्या है? मुझे वो तो सर कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? बैठ बैठ। अरे मैंने चल बैठ। कुछ तो बोलिए, मैंने किया क्या है? चल फोन दे। मैंने किया क्या है सर? सर कहाँ लेके जा रहे हैं सर आप मुझे? क्या किया मुझे, छोड़ दो सर। देखते देखते 3 हफ्ते 3 महीने बन गए और अक्षय का मिसिंग केस एक इंच भी आगे नहीं पड़ा। पुलिस की सारी कोशिशें, खबरी नेटवर्क्स, सारे सस्पेक्ट से 2 बार 3 बार पूछताछ करने के बावजूद भी कहीं से कुछ नहीं निकल रहा था। सबसे अहम सवाल ये थे कि अक्षय अपने घर और इलाके से इतनी दूर किससे मिलने गया था और वो दूसरे फोन का क्या रास्ता। इन दोनों सवालों का जवाब लगभग एक ही समय पर आया जब वो दूसरा फोन अचानक से प्रकट हुआ। अरे वाह, कितना अच्छा फोन बनाया बेटा। किसका फोन है? मेरा। अच्छा, आपके पास भी फोन है? हाँ। ये किराना किसने दिया आपको? आई ने दिया। बेटा ये किसका फोन है? पापा वहां से मिला। विसर्जन भी करना है और बाद में दानपेटी भी खुलनी है ना। अरे हाँ भाई, दानपेटी खुलेगी, उसके बाद ही भिड़े अंकल को पता चलेगा ना कि उनको टेंशन मुक्त होना है या टेंशन युक्त रहना है। ये सोफे के अंदर कहीं ये अक्षय का दूसरा फोन तो नहीं? लेकिन आई ये
ये यहाँ कैसे हो सकता है? सुनिए ना, आप पुलिस को फोन कीजिए तुरंत। ये सेलफोन तुम्हारी बेटी को सोफे में फंसा मिला। जी सर, पहले तो मुझे लगा कि इसका कोई खिलौना है, फिर पास से देखा तो समझा कि खिलौना नहीं है। फिर मैंने बेटी से पूछा, उसने बोला कि सोफे के अंदर से मिला। बेटी के नाम पे झूठ तो नहीं बोल रहे हो पंकज काले? बेटी की कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कदम, बैटरी डेड है, चार्ज करो और पूरे का पूरा डेटा स्कैन करो। मुझे लगता है ये केस अब क्रैक होने वाला है। सर, सारे मैसेजेस, सोशल मीडिया डेटा, सब कुछ ज्यों का त्यों है। लगता है केस क्लोज होने वाला है। उठा लो उसे। सर, अक्षय का रहस्यमय दूसरा सेलफोन इस केस का सबसे अहम सुराग था, जो अब एक सबूत बन गया था इस केस के मुजरिमों को पकड़ने के लिए। ऐसा क्या था इस सीक्रेट सेलफोन में? अक्षय कहां था और वो लोग कौन थे जो अक्षय को जबरदस्ती उठाकर ले गए थे? इस बेहद रोमांचक रोमांटिक थ्रिलर केस के सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सच बोलने से पहले कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।